असलमकुम वेलकम टू अमनाज रिएक्शन कैसे हैं आप सब तो यहाँ पर एक और बार भी अब जो हैं वो लाइव आई हैं मैंने लाइव काफ़ी हद तक उनकी जो है वो सुनी है तो उस पर थोड़ी सी बात मुझे करनी है साथ ही साथ फ़ाइनली फ़ाइनली जो बड़ी बाजी हैं वो आ गई अपना व्लाग लेकर और उन्हें कहाँ जाना था कहीं नहीं जाता कोई जब सब कुछ यहाँ चैनल्स के लिए किया गया है जब सब कुछ यहाँ पर ख़ुद को सर्वाइव करवाने के लिए किया गया है बोला ऐसे गया था कि चैनल जो है वो मेरी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास ब्यूटिशन की जॉब है और ये है और वो है मेरे लिए चैनल कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता एक टाइम था इन्होंने बोला था लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि घर आती जो कमाई है वो किसे बुरी लगती है और वो भी जब डॉलर्स में आपकी जो इनकम है वो आ रही हो माशाल्लाह तो इनका क्या है कि इन्हें कहाँ जाना था इन्हें यहीं रहना था यस बस जो ये शेडो बन था ना इनका दो दिन का इसमें कुछ ना कुछ तो है ये सोच रही होंगी कि व्लॉग क्या अपलोड करूँ किस तरह अपलोड करूँ या एक ट्रिक ये भी होती है पता है क्या कि लोग ना थोड़े दिन के लिए ग़ायब हो जाते हैं फिर क्या करते हैं जो दीगर देखने वाले होते हैं वो उनका चैनल सर्च करते हैं बार बार उनका जो सर्च बार पे जाकर नाम लिखते हैं एक मैंने कहीं पढ़ा था ऐसा भी होता है तो फिर क्या होता है इनके चैनल की रीच भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है इनका चैनल सर्च में आता है तो ये कहीं नहीं जाने की इस चीज़ का तो मुझे भी पता है और इस चीज़ पर मुझे भी यकीन है कि इन्हें कहाँ जाना है इतना सब कुछ हो गया ये तब नहीं गई तो अब क्यों जाएंगी और अब तो ये कहते हैं ना मिसल आहन हो चुकी हैं जो ताने तंस और जो झूठ का पुलिस है इन पर आ आ के पलट रहा है लेकिन इन्हें फर्क नहीं पड़ता ये चिकना घेड़ा घिड़ा कह रही हूँ चिकना घड़ा बन चुकी हैं। तो ये कहीं नहीं जाती तो इनका व्लाग हंसपे तो हंसप तोफीक आ गया और एक नॉर्मल व्लाग खाना पीना और बस वैक्सीन और ये सारी चीज़ें इन्होंने दिखाई और रिसीट भी दिखाई अच्छा मैं सोच रही थी कि ये सब कुछ तो ठीक है चलें मान लिया भाई वो जिसके लिए बड़ा शोर हुआ था और जिसकी अपडेट जो है वो नैनू ने दी थी और बुलेटिन पर आपके चैनल पर चला था यानी आपकी टांग वो मुर्ग़े की एक टांग जिसका ऑपरेशन होना था वो कहाँ खट्टे में पर गया जाकर और आप तो स्पेशलिस्ट के पास जाने वाली थी अपॉइंटमेंट था तकरीबन महीना होने वाला है कोई अपडेट नहीं मीन्स रॉड है अभी भी या रॉड भी कहीं निकल गई या अब जो आपके सारे आते हैं वो ठीक हैं भाई कुछ तो अपडेट करें ना इस हवाले से भी ये क्या आधी अधूरी बात करके आप गायब और जो आपके सपोर्टर्स हैं उन्हें आपकी परवाह ही नहीं है आपको तो वो डिस्कस करना ही नहीं चाहते मतलब आपके व्लॉग पर तो उनकी एक नज़र नहीं जाती वो डिस्कस करते हैं सिर्फ सितारा को क्योंकि उन्हें पता है जब सितारा के ख़िलाफ़ भी अगर बात करेंगे ना तो झुंड का झुंड उनकी तरफ आएगा लेकिन अगर बड़ी बाजी पर बात की तो कौन आएगा ये वाला एक जो माइंड सेट है बना हुआ है लेकिन भाई हमारा रिव्यू चैनल है और मुझे जहाँ लगेगा कि आपके वीडियो पर रिव्यू देना है तो मैं ज़रूर रिव्यू दूंगी इसकी परवाह किए बग़ैर कि कोई मुझे आकर ये कहता है कि तुम इन पर क्यों रिव्यू दे रही हो लेकिन मुझे जब लगेगा तो मैं ज़रूर आपके वीडियो पर बात करूंगी तो बीबी आपका जो वो एक ऑपरेशन टांग है मशीन वो किधर है किधर जाकर आपने उसे खो दिया है गुम कर दिया है ज़रा उसे भी ढूंढ के लाइए और हमें बताइए हम भी आपकी ऑडियंस हैं हम भी आपकी वीडियोज़ देखते हैं तभी तो रिएक्ट करते हैं चलें जनाब आते हैं बिया पर तो बिया जो है वो डेली लाइफ आ रही हैं और कहते हैं ना एक ही तो मुद्दा है कितनी बार एक्सपोज करेंगी तो यही वाला जो काम है वो इस टाइम बिया मैडम जो हैं उनकी तरफ से हो रहा है क्योंकि उनका कहना है कि अब वो इस सारे झमेले से यानी बड़ी बाजी साहिबा के ट्रैप से निकलकर उनके धोखे से निकलकर खुश भी बहुत हैं उनको अल्लाह ने सेहत दी बहुत अच्छी बात है भाई अल्हम्दुलिल्लाह और उनके घर में दोबारा से जो उनकी एक भाई बहन दोस्त अहबाब के साथ पार्टीज़ होती थी बारबेक्यू होते थे ये सारा जो सिस्टम था ये इन बड़ी बाजी के लाए हुए आलम की वजह से रुक गया था वो दोबारा से कंटिन्यू हो गया बहुत अच्छी बात है यहाँ पर इन्होंने अगेन कहा कि ये सिर्फ़ बड़ी बाजी के रोने धोने में आ गई थी क्योंकि इन्हें लगा था कि ये गांव इन्हें लगा था कि ये गांव देहात बेस्ड लोग हैं तो ये बेचारी बड़ी मज़लूम औरत है दुखियारी है और इसका शोहर भी ालिम इसका देवर भी ालिम माँ भी इसकी सगी नहीं मतलब सौतीले पन पर उतर आई और यहाँ बिया ने कहा कि बड़ी चालाकी से अपनी माँ को बुर और बड़ी चालाकी से ये अपनी वालिदा को अपने सपोर्टर्स से उस टाइम बुरा भला भी कहलवाती थी फिर आकर मैसेज भी करती थी देखें अम्मी पे बात ना करें मतलब अम्मी के सारे ऐप बता भी देती थी और फिर कहती थी बस इस पर आपको बात नहीं करनी मतलब वो कहती हैं बड़े स्मार्टली ये अपना सारा गेम जो है वो प्ले करती आई थी पिक्चर्स के बारे में उन, इन्होंने बताया बिया ने कि जो एक वो मस्ताना आया था ना जो आकर खुद को कहता था मैं इसका बापू मैं उसका बापू मतलब अजीब इ लॉजिकल सा वो शख्स था तो वो जो है उसकी जो पिक्चर्स हैं वो जो एक शिश्टर हैं हमारी वो जाकर एडिट करवाती थी और उनके एरिया में कोई आईटी से रिलेटेड कोई एक्सपर्ट था तो वो पैसे लेकर पिक्चर एडिट करवा करवा के इन्हें देती थी तो वो कहते थे ना एक नया परूफ आने वाला है एक नई पिक्चर एडिट होकर आने वाली है एडिट होकर नहीं एक पिक्चर आने वाली है ये लोपरूफ़ वो लो परूफ तो ये थे वो परूफ़ जो यहाँ कारखाने में तैयार होते थे ये एक नई बात पता चली इस टाइम लाइफ से कुछ वॉइस भी इन्होंने सुनाई और वो प्रोफेसर की वॉइस थी किस तरह क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो खैर जनाब मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर फिर सब कुछ सुनने के बाद मेरे जहन में सिर्फ और सिर्फ एक सवाल बार बार उठता है कि कैसे कोई किसी के ऊपर इतना ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकता है आपको तो ये भी पता है ना मतलब आपने एक दुनिया देखी हुई है और अगर आप इस तरह के काम करती हैं आप आ, मतलब लोगों के साथ कॉपरेट करती हैं तो आपको तो ज़्यादा फ़र्क़ होगी ना कि यहाँ पर किस किस तरह लोग हीले बहाने करके सर पे पट्टियाँ बांध के हाथ प्लस्टर में लगाकर भीख मांगने का जो काम करते हैं तो हो सकता है कि ये लेडी भी कुछ इसी तरह की हो जिसने ये तमाशा किया हो तो यहाँ पर मैं ये नहीं कह सकती कि आप बिल्कुल आ, कहना चाहिए कि अभी कसूर हैं या आपका कोई कसूर नहीं है आपने जो भी कुछ किया सब कुछ जानते बूझते अपनी मर्ज़ी से किया हाँ एक पॉइंट आता है जब इंसान को अपनी ग़लतियों का एहसास होता है और आपको अगर गलती गलतियों का एहसास हो गया तो अच्छी बात है लेकिन यहाँ आकर मैं ये सोच में पड़ जाती हूँ अगेन कि अब जो कुछ कचरा आपने सितारा पर डाल दिया और आप उसका पार्ट बनी जितने लोगों ने आपके कहने में आकर सितारा को बुरा भला कहा बुरे बुरे नामों से पुकारा उसका मदावा क्या होगा मतलब दुनिया तो आज है ना कल ख़त्म हो जाएगी हम सबको ही अपने रब की तरफ लौट के जाना है सब तो वहाँ लौट के जाएंगे किस मुँह से अल्लाह का सामना करेंगे किस मुँह से बताएंगे क्या ये कह देंगे कि मुझे यकीन आ गया था अल्लाह मियाँ इस पर इस ढोंग पर फिर एक टाइम आया कि मैंने सोचना शुरू किया और फिर जो है मुझे सब कुछ समझ आ गया लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी तो मुझे एक चीज़ बताइए इसके लिए प्रैक्टिकली आपने क्या किया है क्या सितारा से माफ़ी मांगी है क्या सितारा की माँ से माफ़ी मांगी है तो ये सारी चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं और जब जब आप लाइव आती हैं जब जब आप इस लेडी को एक्सपोज करती हैं तब तक मेरे जहन में ना ये सवाल बार 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 गूंजता है